ध्वज भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ मुस्कान उस्मानी। रुक करते हैं यूपी की बड़ी खबरों की ओर। खबर आजमगढ़ से है, जहां आजमगढ़ से बीजेपी सांसद निरहुआ को टिकट कटने का डर सताने लगा है। यूपी के आजमगढ़ लोकसभा सीट से सांसद दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ ने ऐसा बयान दिया है, जिसके बाद उनके टिकट कटने की चर्चाएं और तेज हो गई है। बीजेपी 2024 को लेकर सभी सांसदों का रिपोर्ट कार्ड बनवा रही है, जिसमें उनके कामकाज, जनता में लोकप्रियता और संगठन के साथ तालमेल को बारीकी से जांचा परखा जा रहा है। ऐसे में टिकट कटने के डर से कई सांसदों में हलचल मची हुई है। आजमगढ़ पहुंचे बीजेपी सांसद ने कहा कि अगर जनता को मेरा काम पसंद नहीं आया तो मेरा भी टिकट कट सकता है, जिसके चलते बीजेपी सांसद लगातार लोगों से मुलाकात भी करते हुए दिखाई दिए। अब खबर लखनऊ से है, जहां आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने गांधी और शास्त्री जयंती के उपलक्ष पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने यूपी सरकार को जमकर घेरा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में सांसद संजय सिंह ने यूपी सरकार पर निशाना साधते हुए यूपी में बढ़ते अपराधों पर योगी सरकार पर जमकर बयानबाजी की। उन्होंने कहा कि बापू का नाम दुनिया में प्रेम, अहिंसा और भाईचारे के नाम से जाना जाता है, लेकिन यूपी की कानून व्यवस्था जर्जर और बदहाल है। साथ ही कहा कि यूपी में तो डबल इंजन की सरकार है, लेकिन अपराध लगातार हो रहे हैं। आगे कहा कि आज हम संकल्प ले रहे हैं, ये सरकार जो जन विरोधी है उसको 24 में हटाने का काम करेंगे। गांधी जी की और शास्त्री जी की जयंती पर हम लोग इसका संकल्प दोहरा रहे हैं और ये संकल्प ले रहे हैं कि ये सरकार जो जन विरोधी है, इस देश के लोगों के खिलाफ काम कर रही है, उसको 2024 के चुनाव में हटाने का काम करेगी। अब खबर प्रयागराज से है, जहां गांधी और शास्त्री जयंती पर युवाओं ने 5100 मीटर की भव्य तिरंगा यात्रा निकाली। सत्य और अहिंसा के पुजारी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और भारत के पूर्व पीएम लाल बहादुर शास्त्री के जयंती पर संगम नगरी प्रयागराज में कई तरीके के आयोजन किए गए। एक तरफ जहां यूपी सरकार के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व पीएम लाल बहादुर शास्त्री को नमन करते हुए श्रद्धांजलि सुमन अर्पित किए, तो वहीं प्रयागराज के यमुना पार क्षेत्र के जरसा में स्वतंत्रता सेनानी वंशजों ने 5100 मीटर की भव्य तिरंगा यात्रा निकाली। इस दौरान तिरंगा यात्रा में किन्नर कल्याण बोर्ड के सदस्य महामंडलेश्वर कौशल्या नंदगिरी भी शामिल हुई। आज हम लोगों की पहली बार तिरंगा यात्रा नहीं निकल रही है, इससे पहले हम लोग 2100 मीटर की तिरंगा यात्रा निकाल कर एक जन संदेश देने का काम किया है। आज 2 अक्टूबर के दिन महात्मा गांधी का जन्मदिन है, इसको हम लोग बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाकर एक देश को एक संदेश देना चाहते हैं कि महात्मा गांधी जी ने हमारे देश को आज़ाद कराने में जो अपनी अहम भूमिका निभाई है, उसको आने वाली पीढ़ियों को मैं जन संदेश देना चाहता हूं कि वाकई में वो राष्ट्रपिता थे। आज उनके जन्मदिन पर हम लोग तिरंगा यात्रा निकाल कर एक जनता संदेश देकर ये संदेश देना चाहते हैं कि उनकी की गई जो हमारे इस देश की सहानुभूति है, उसको हम लोग कभी भी भूल नहीं सकते। कुंभ नगरी प्रयागराज में आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के जयंती पर तमाम तरीके का आयोजन किया जा रहा है। अगर हम संगम नगरी प्रयागराज की बात करें तो संगम नगरी प्रयागराज पूरे विश्व में धर्म और अध्यात्म के लिए विख्यात है, और संगम नगरी प्रयागराज में हर खास दिनों पर इस तरीके के आयोजन होते हैं जो लोगों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। आज हम प्रयागराज के यमुना पार क्षेत्र में है और यहाँ पर 5100 मीटर की भव्य तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है, जिसमें किन्नर अखाड़ा की महामंडलेश्वर और किन्नर अखाड़ा की प्रदेश अध्यक्ष कौशल्यानंद गिरी जी, हम इनसे बातचीत करेंगे कि किस तरीके से आज यहाँ पर तिरंगा यात्रा निकाली गई है। माता जी, सबसे पहले तो आपको बहुत स्वागत है और आपको गांधी जयंती की ढेरों शुभकामनाएं। यहाँ पर 5100 मीटर की तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है, आप इसमें शामिल होंगे, क्या कहना चाहेंगे? महाकाल, सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से गांधी जी का जयंती, जो राष्ट्रपिता थे गांधी जी का, उनका जयंती और लाल बहादुर शास्त्री जी जो वीर पुरुष थे, उन दोनों जी का
दोनों जयंती का मैं हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त करती हूँ। ये प्रयागराज की धरती जहाँ त्रिवेणी का समागम है, ऐसी धरती में, ये जसरा की धरती में हमारे अरविंद दुबे और अतुल गुप्ता, दीपू पाठक, इस सारे मेंबर के तत्वावधान में, महाकाल फाउंडेशन के तत्वावधान में आज 5100 मीटर का तिरंगा यात्रा निकाला गया। ये बहुत भव्य है और दिव्य है, आप देख ही सकते हो। और मैं बहुत बहुत सभी मेंबर को साधुवाद कहती हूँ। ऐसे नौ युवाओं जो हमारे समाज में निकल के आ रहे हैं और देशभक्ति का जो, देश प्रेम का जो भावना है, राष्ट्र प्रेम का भावना है, वो जागृत कर रहे हैं। तो राष्ट्र प्रेम खाली बॉर्डर में रह के खाली गोली चलाने से नहीं होता है, इस तरीके से भी राष्ट्र प्रेम की भावना हम लोग जगा सकते हैं, जागरूक कर सकते हैं। ये भी एक जीती जागता एक उदाहरण है। हमारे अरविंद बाबू जैसे लोग को मैं बहुत बहुत साधुवाद कहती हूँ। और मैं यही कहना चाहती हूँ कि राष्ट्र से बढ़ के कुछ भी नहीं है। राष्ट्र है तभी हमारा अस्तित्व है। हमेशा हम लोग को हर चीज से भी ऊपर उठ के, चाहे जाति से हो, चाहे लिंग से हो, चाहे संप्रदाय से हो, इस चीज से ऊपर उठ के राष्ट्र के हित के लिए सोचना चाहिए। राष्ट्र है तभी हमारा अस्तित्व है। और राष्ट्र कोई भूमिका, हमारे राष्ट्र कोई भूमिका टुकड़ा नहीं है। जीती जागती हमारे माता है। माता के ऊपर कोई भी उंगली उठाता है तो उनको मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। और उनके चाहे हमारे राष्ट्र के लिए चाहे अपना जान कुर्बान करना पड़े, हम लोग अपना जान कुर्बान करेंगे। ऐसे नव युवाओं आगे आके राष्ट्र के लिए ऐसे कार्य कर रहे हैं, सभी को मेरा साधुवाद है और मैं धन्यवाद देती हूँ। और आप सभी जो मीडिया बंधु को भी मैं धन्यवाद देती हूँ कि आप लोग इतना दूर से आके कवरेज कर रहे हो। आप सभी को मेरा धन्यवाद। सरकार ने महिलाओं को 33% का आरक्षण दिया और आपने भी एक बयान जारी किया गया था, किया था कि किन्नरों को भी इसमें आरक्षण मिले, क्या कहना चाहेंगे आप? जी हाँ, ये बहुत अच्छी चीज है कि महिलाओं को भी राजनीति में भागीदारी के लिए 33% आरक्षण दिया। कम से कम इससे ये होता है कि हमारे राजनीति में जो भागीदारी है महिलाओं को बढ़ जाएगी और महिला अपने अधिकार को सुनिश्चित कर पाएंगे। तो इसी क्रम में मैं भी एक कहती हूँ, एक हमारे भी ट्रांसजेंडर भी एक अलग लैंग्वेज का है। 2014 में जजमेंट कर दिया है, नालसा जजमेंट पारित हुआ है, विधेयक भी पारित हुआ है। तो हम यही सरकार से, मैं बहुत ही पॉजिटिव हूँ और बहुत ही हमारे माननीय SSP हमारे मुख्यमंत्री और माननीय SSP हमारे प्रधानमंत्री, दोनों का नज़रिया बहुत अच्छा है। और मैं चाहती हूँ कि किन्नरों के लिए भी, ट्रांसजेंडरों के भी आरक्षित सुनिश्चित हो जाए और हम लोग को भी लाभ मिले और हम लोग भी राजनीति भागीदारी में अपना अहम हिस्सा दे पाए और राष्ट्र की उन्नति के लिए, राष्ट्र के प्रगति के लिए किन्नर भी उसी कटघरे में खड़े होकर राष्ट्र को उन्नति दे। जी, राष्ट्र के प्रगति। बहुत धन्यवाद माता जी। और इस पूरे तिरंगा यात्रा के आयोजक हैं अरविंद दुबे जी, हम इनसे भी बातचीत करेंगे। अरविंद जी, क्या उद्देश्य है आपका तिरंगा यात्रा का? आपसी भाईचारा सौहार्द स्थापित करने के उद्देश्य के साथ यह तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। आज दो महामानवों का जयंती है, बिल्कुल। अब तस्वीरें साफ तौर पर दिख रही हैं कि संगम नगरी प्रयागराज को पूरे विश्व में इसीलिए जाना जाता है क्योंकि जब प्रयागराज में कोई खास दिन होता है तो जो युवाओं का जोश है वो देखते बनता है। आज प्रयागराज के यमुना पार क्षेत्र में 5100 मीटर की भव्य तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। पवन पटेल, Prime TV, प्रयागराज। अब खबर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से है, जहां CMS ऑडिटोरियम में गांधी जयंती का आयोजन किया गया। इस मौके पर CMS संस्थापक और प्रख्यात शिक्षाविद डॉक्टर जगदीश गांधी ने कहा कि ईश्वर ने महात्मा गांधी को संसार में एक विशेष मसीहा के रूप में भेजा था। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के अहिंसा, एकता, त्याग और समता के विचारों की शिक्षा बच्चों को बाल्यावस्था से देने की बहुत आवश्यकता है। जो भी हो रहा है, लेकिन लोग महसूस कर रहे हैं कि गांधी जी के बताए रास्ते पर नहीं चलेंगे तो ये युद्ध और लड़ाइयाँ और मारकाट और बढ़ेगी, तो इसलिए दुख में पड़ेंगे। उस सब के समझ में आ रहा है कि ये ठीक नहीं है रास्ता, और यही कारण है सब लोग बच्चों की जिंदगी में ये गांधी जी के विचार आए, गांधी जी की शिक्षाएँ आए, उस पर विचार कर रहे हैं।
आज हमारा दिन भर का ये कार्यक्रम है ताकि प्रेक्षक के मन में ये विचार आवे कि हमें गांधी जी की शिक्षाओं को बच्चों को बताएं। अगली खबर प्रयागराज से है, जहां देश को सत्य और अहिंसा का पाठ पढ़ाने वाले राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती पर स्वच्छता पखवाड़ा का जगह जगह आयोजन किया जा रहा है। महात्मा गांधी जी के साथ साथ देश के दूसरे पीएम लाल बहादुर शास्त्री जी की भी आज पूरे देश भर में धूमधाम से जयंती मनाई जा रही है। इसी कड़ी में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती पर आज यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने महात्मा गांधी और पूर्व पीएम लाल बहादुर शास्त्री को श्रद्धा सुमन के साथ माल्यार्पण अर्पित करते हुए नमन किया, साथ ही उनके पदचिन्हों पर चलने का संकल्प लिया। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने आह्वान किया था, आज उनके चरणों में अपना पुष्प अर्पित करके उनको माल्यार्पण करके स्वच्छ भारत का जो संकल्प है, स्वस्थ भारत को जो संकल्प है उसे हम लोग दोहराते हैं। आज हम सब देशवासियों के लिए गौरव की बात है कि मोहनदास करमचंद गांधी जी को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी क्यों कहा जाता है, क्योंकि जब कोई व्यक्ति अपने लिए नहीं समाज और देश के लिए जीता है तो उसका परिणाम यह होता है कि पूरा संसार उन्हें महात्मा मानता है। अभी G20 के अवसर पर जिस प्रकार से बापूजी की समाधि पर पूरे संसार ने बापूजी को अपनी श्रद्धा सुमन को अर्पित किया है, वह हिंदुस्तान के लिए गर्व का विषय। अब खबर आगरा के थाना रकाबगंज क्षेत्र से है, जहां सांसद एसपी सिंह बघेल और छावनी विधायक डॉक्टर जीएस धर्मेश के लापता होने के पोस्टर पूरे क्षेत्र में चस्पा हुए, जो जनता ने लगाए हैं और उसमें व्यापक समस्याओं के स्लोगन लिखे हैं और साथ ही बैनर और पोस्टर पर ध्वस्त पड़े नालिया, खरंजे, पुलिया, सीवर भी देखने को मिल रहे हैं और दूसरी तरफ सांसद विधायक रंगारंग कार्यक्रम में मस्त हैं। ये पोस्टर देखिए, ना हमारा लगाने का मकसद है ना हम लगाएंगे, ये लगाए हैं क्षेत्रीय जनता ने, उन्हें जो परेशान है उनसे, क्योंकि वो भी लोग कई बार काम के लिए गए हैं, उनसे सिर्फ एक ही उन्होंने एक ही बात कही गई है कि मैं तुमने मुझे वोट नहीं दिया है, ठीक है ना। तो जनता हमारी निराश होकर वहाँ से आती है। मैंने उनसे कहा, मैंने विधायक जी एक बात देखिए, अगर ये पक्के रोडों पर आप चलते हो तो इमाम गेट मंडी है, आप उसको देखिए, वो मुख्य रास्ता है, वो कई जगह के रास्ताओं को जोड़ता है। पर उन्होंने मुझसे कहा कि एक काम करिए, आप मेरे आवास पर आइए। विधायक जी के आवास पर पहुँचा और मैंने उनसे कहा कि मैंने विधायक जी लेटर लीजिए, तो विधायक जी का सीधा जवाब मेरे प्रति ये था कि ये हमारे बाड़ में नहीं आता है। अब खबर औरैया से है, जहां पुलिस महानिदेशक अग्निशमन के आदेश पर प्रदेश भर में मॉल्स और मल्टीप्लेक्स में कर्मचारियों को मॉक ड्रिल करवाने और मॉल में लगे अग्निशमन यंत्रों की जांच करवाने के निर्देश दिए गए हैं। प्रभारी जिला अग्निशमन अधिकारी अतुल त्रिपाठी ने शहर के शॉपिंग मॉल्स में अभियान भी चलाया। इस दौरान उन्होंने शहर के मॉल का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्हें मॉल्स में आपातकालीन स्थिति के लिए की गई व्यवस्थाएं पर्याप्त मात्रा में मिली, लेकिन कुछ अग्निशमन उपकरणों में खामियां भी मिली हैं। अग्निशमन अधिकारी ने तीनों मॉल के कर्मचारियों को आपातकाल के समय किस प्रकार कौन से उपकरणों का प्रयोग करते हैं इसकी विस्तृत जानकारी भी दी है। की टीम द्वारा कई मॉलों का निरीक्षण किया गया, वही इसके दौरान उप निरीक्षक अतुल कुमार त्रिपाठी द्वारा औरैया जनपद के कई मॉल जो बने हुए उनको जाकर निरीक्षण किया गया, वहां पर जाकर उपकरण को भी देखा, फायर से जुड़ी हुई सभी सामग्री भी चेक किया गया। वहीं मॉल में लगे अग्निशमन उपकरण को लेकर जैसे फायर सिलेंडर को लेकर उनको एक ट्रेनिंग भी दी गई, जिसमें मॉल में बने गार्ड और उनके कर्मचारियों को बुलाकर उनसे जानकारी भी ली गई किस तरीके से इनको आपत्ति कारण किस तरीके से चलाया जाए। आप तस्वीरों के माध्यम साफ देख सकते हो किस तरीके से मॉल में जो खड़े गार्डों को उनको एक फायर सिलेंडर देकर उनसे चलवाया गया, जिससे कि आग कोई घटना आपत्ति घटती है तो उसको किस तरीके से काबू में किया जाए। प्राइम टीवी के लिए जाए तक रिपोर्ट और यह रुक करते हैं अगली खबर का, जहां औरैया के सदर विकास खंड के ग्राम माल्हेपुर से है, जहां एक ओर पूरा देश और प्रदेश गांधी और शास्त्री जयंती मना रहा है और सरकार आजादी का अमृत महोत्सव भी जोर शोर से मना रही है, जिसका प्रचार प्रसार भी बड़े पैमाने पर किया जा रहा है। लेकिन एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की विधवा पत्नी अपना अधिकार पाने के लिए अधिकारियों के पास भटक रही है, न्याय की गुहार लगा रही है। यही नहीं, गांधी जयंती के मौके पर शहर के शहीद पार्क में वृद्ध महिला अपने परिजनों के साथ धरने पर
बैठ गई। मामले की जानकारी मिलते ही एसडीएम सदर पहुंचे और प्रार्थना पत्र लेते हुए कार्रवाई किए जाने का उन्होंने आश्वासन दिया है। दरअसल पति की मौत के बाद मिलने वाली सम्मान पेंशन साल 2014 तक मिली, लेकिन 16 साल तक मिलने वाली पेंशन बिना किसी नोटिस और सूचना के बाद केंद्र सरकार की तरफ से रोक दी गई है। नानी रहे, आप लोग किस तरह की लड़ाई अंग्रेजों के जमाने में लड़ी, क्या कहना चाहेंगे? का लड़ाई लड़ा रहे से करो। कब लड़ाई लड़ी थी उन्होंने? अब हमें देती यार अंग्रेजन के जमाने में 1947 लड़ाई लड़ी थी। तो आज आप लोग यहाँ क्यों बैठे हो, क्या कारण है? का कारण है पूछने में गई बेटा। अच्छा, तीन चार बार गई रोके। कितनी उम्र होगी आपकी? 95 साल बोलो। 95 साल। श्रीमती भूरा देवी, पत्नी श्री रामदीन, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, निवासी मालीपुर, पोस्ट कखौर, जिनकी पेंशन बगैर नोटिस के वर्ष 21 से केंद्र सरकार ने रोक दी है। वो काफ़ी लिखा पढ़ी करने के बाद भी अभी तक उनकी पेंशन रुकी हुई है। इसकी आपने कभी किसी को सूचना दी है? जी, इसकी सूचना माननीय मुख्यमंत्री जी के पोर्टल पर भेजी, माननीय प्रधानमंत्री के पोर्टल पर भेजी, और इसके बाद भी अभी तक किसी भी पत्र का भी कोई जवाब नहीं और कोई कार्रवाई। आज 2 अक्टूबर को सर्वप्रथम मैं गांधी जी के चरणों में अपनी श्रद्धांजलि व्यक्त करता हूँ। तदुपरांत आज स्वतंत्रता संग्राम सेनानी परिवार ऐसे समय में जब सरकार अमृतकाल महोत्सव मना रही है, उस समय उस कालखंड में प्रत्येक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के गांव में न तो उनकी स्मृति में कोई स्मृति द्वार बना, न कोई उनकी स्टैचू स्थापित की गई, और कई बार अधिकारियों के चक्कर और लिखा पढ़ी करने के बावजूद भी सरकार के कान में जू नहीं रेंग रहा है। सरकार कतई संवेदनशील नहीं है, केवल ये ढोंग है, दिखावा है। खबर लखनऊ से है, जहां बीकेटी महिला के हत्या के मामले पर बड़ा खुलासा हुआ है। आरोपी हारून अली ने पैसे विवाद को लेकर झगड़े में महिला को ईंट से कूच दिया था। आपको बता दें कि केजीएमयू में इलाज के दौरान महिला की मौत भी हो चुकी है। 30 सितंबर को बीकेटी रेलवे स्टेशन पर 14 वर्षीय सुशीला देवी को किया हारून ने लहूलुहान था। पुलिस का कहना है कि हारून की सुशीला से 5 महीने से दोस्ती थी। जीआरपी चारबाग ने पूरे हत्याकांड का खुलासा किया है। अगली खबर गाजीपुर से है, जहां दुकानदार की हत्या के मामले में पुलिस ने मृतका की पत्नी समेत 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पत्नी ने ही मोबाइल व्यापारी की हत्या अपने प्रेमी से साजिश के तहत कराई थी। पत्नी के प्रेमी और 2 साथियों ने मोबाइल व्यापारी की गोली मारकर दिन दहाड़े हत्या कर दी थी। मामला खानपुर थाना क्षेत्र के सिधौना का है, जहां मोबाइल दुकानदार की बाइक सवार बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी और मौके से फरार हो गए थे। तफ्तीश में जुटी पुलिस के सामने चौंकाने वाले तथ्य आए है। वह मृतक का पिछले महीने विवाह हुआ था। दोनों के बीच रिश्ते ठीक नहीं थे। व्यापारी की पत्नी का प्रेम संबंध दूसरे युवक से था। व्यापारी की पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या की साजिश रची। फिलहाल पुलिस ने आरोपी पत्नी और हत्या में शामिल 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। थाना खानपुर क्षेत्र में एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी एक भट्टे के पास। इस सूचना पर तत्काल थाने की पुलिस, संबंधित क्षेत्राधिकारी, एसपी देहा, मेरे स्वयं के द्वारा का निरीक्षण किया गया तथा ये जानकारी की गई। खैर थोड़ी देर में ही वहाँ पर शिनाख्त हो गई थी। जो मृतक था वो सिंधौना का ही एक व्यापारी था जिसकी मोबाइल की दुकान थी। उनके परिजन आए, उनसे बातचीत हुई, और जैसा कि आप सबको विदित है इस समय क्योंकि इंटरनेट के माध्यम से हर जगह पूरे स्थानों को आच्छादित करने का प्रयास किया जा रहा है कि पूरा क्षेत्र सीसीटीवी कैमरों के कवरेज में रहे। एक अच्छी वहाँ पे लीड ये मिली थी कि आसपास कुछ महिलाएं वहाँ काम कर रही थी जिनके द्वारा जिन अभियुक्तों ने घटना को कारित किया था उनका हुलिया और उनकी पोशाक इत्यादि के बारे में क्राइम ऑफिस जानकारी दी थी।
अब खबर बुलंदशहर से है, जहां पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने फर्जी मार्कशीट बनाने वाली गैंग को पकड़ लिया है। गिरफ्तार जालसाजों के पास से बिहार, उत्तराखंड, झारखंड, यूपी, गुजरात, एमपी समेत कई प्रदेशों के बोर्ड्स की 180 मार्कशीट बरामद की हैं। साथ ही पुलिस ने निजी यूनिवर्सिटी की तकनीकी और गैर तकनीकी कोर्सेज की मार्कशीट भी बरामद की है। ये गिरोह दफ्तर खोलकर फर्जी मार्कशीट बनाने का धंधा कर रहे थे। साथ ही गिरोह के सदस्यों से 2 लैपटॉप, स्कैनर, कलर प्रिंटर, फर्जी मार्कशीट और 16 मोबाइल फोन भी बरामद किए हैं। थाना अनूप शहर पर एक शिकायत प्राप्त हुई थी, जिसमें वादी द्वारा यह बताया गया कि उनके बच्चे की जो मार्कशीट है वो सेना भर्ती के दौरान जब सत्यापन कराया गया तो वो फर्जी पाया गया। इस सूचना पर वो लोग थाने पर उपस्थित हुए और उनके द्वारा प्रार्थना पत्र दिया गया कि एक व्यक्ति के माध्यम से उन्होंने अपने बच्चे का ये सर्टिफिकेट प्राप्त किया था और उन्होंने ये बताया था कि ये ओपन स्कूलिंग के तहत ये सर्टिफिकेट प्राप्त हो रहा है आपको और उसमें स्कूल जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जब इस सूचना पर मुकदमा पंजीकृत किया गया और थाना अनूप शहर की टीम को इस घटना के अनावरण के लिए लगाया गया तो एक बहुत बड़ा रैकेट ये सामने आया है, जिसमें कि अब तक 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। पूछताछ में इन लोगों ने ये बताया कि ये एक फर्जी वेबसाइट चलाते थे। अगली खबर रायबरेली से है, जहां देर रात दुकराहा स्थित भट्टे में चौकीदार की चाकू से गोद कर हत्या कर दी गई। करीब 3 बजे भट्टे में मलखान ड्राइवर आया, जो गाड़ी में ईंट लाद कर लखनऊ ले जाने के लिए आया था। तभी चौकीदार को आवाज लगाई तो वो नहीं उठा। जब उसके पास जाकर देखा तो चौकीदार खून से लथपथ मृत अवस्था में चारपाई पर पड़ा था, जिसकी सूचना भट्टा मालिक को दी गई, जिसके बाद मौके पर पहुंचकर उसने पुलिस और परिजनों को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वही एसपी का कहना है कि जल्द ही घटना का खुलासा कर दिया जाएगा। आज सुबह प्रातःकाल थाना खीरो क्षेत्र के अजीतपुर गाँव के पास एक भट्टा है, जिसके मालिक का नाम है आशीष। उनका जो चौकीदार था खंगालाल, उसकी आज सुबह 3 बजे के आसपास बॉडी डिस्कवर की गई। उसका शव वहाँ खाद पे पड़ा हुआ मिला, जिससे सर पे चोट के निशान थे। मौके पे तत्काल पुलिस के द्वारा भ्रमण करके उसका निरीक्षण किया गया। मैंने भी घटनास्थल पर भ्रमण किया है। घटना का मोटिव अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है। अज्ञात हमलावरों के खिलाफ उनके बेटे के द्वारा तहरीर दी गई है। घटना में तमाम कार्रवाई कराई जा रही है। फॉरेंसिक टीम को बुला करके वहाँ से साक्ष्य इकट्ठा किए गए हैं और जो हमारी सर्विलांस टीम है उसके द्वारा भी वहाँ पे अपनी कार्रवाई की जा रही है और बहुत जल्दी घटना का अनावरण करके हत्यारों को पकड़ लिया जाएगा। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।